जमात इस्लामी ने मियानी अड्डा पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में जमात इस्लामी के कारकुनान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहरे में शरीक अफराद ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। शुरका ने मियानी अड्डे पर धरना भी दिया। इस मौके पर अलखिदमत फाउंडेशन तहसील कलर कहर के सदर मलक ताहिर हुसैन मखियाल ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से महंगाई का जो तूफान बरपा हुआ है, इसने गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया है। इस मौके पर जमात इस्लामी के रहनुमा मलक अदालत खान ने कहा कि अब आवाम को जमात इस्लामी पर ही एतमाद करना होगा, क्योंकि अब आवाम के मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास ही है। उन्होंने कहा कि जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा, इस वक्त तक आवाम के मसाइल का हल मुमकिन नहीं। इस मौके पर दीगर अफराद ने भी खिताब किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, जमात इस्लामी ने मियानी अड्डे पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में जमात इस्लामी के कारकुनान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की और शरीक अफराद ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। खबर शामिल करते हैं कराची से, रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मोहम्मद रिजवान। मुआवने खसूसी वजीर आला सिंध आसफ खान के हमरा SHO अपने स्टाफ समेत गायब शाह बाबा के मज़ार पर गए और मज़ार की इंतजामिया से मुलाकात की, जिन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम से मुतमईन होकर खुशी का इजहार किया। बाद अज़ां उन्होंने बाबा गायब शाह की कब्र पर चादर चढ़ाई। गुज़श्ता रोज़ शहीद भुट्टो हाउस हत्तार ज़िला चकवाल में मलक नासिर हत्तार डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला चकवाल के फुफीजाद भाई शहीद बेनज़ीर भुट्टो और उस्ताद मसरूर एहसन सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंटर कराची के दरीना साथी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची जफर इकबाल उर्फ लाला जफरी के 40वें की तकरीब अकीदत एहतराम से मनाई गई। तकरीब का आगाज कुरान खानी से हुआ। इसके अलावा इनके 40वें की बड़ी तकरीब पीपल्स कॉलोनी कराची में मुनक्किद की गई। साबक मेंबर ज़िला कौंसल चकवाल मलक वसीम गुल आवान वसनाल ने साबक सलाई सदर सरदार गुलाम अब्बास को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश की और उन्हें मुस्लिम लीग नून में दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहा। इस मौके पर मलक मून वसनाल, मलक इफ्तार वसनाल, मलक तारक मुनारा, मलक अक्रम मुनारा और दीगर दोस्तों ने भी सरदार गुलाम अब्बास की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर इन्हें खुशामदीद कहा और कहा कि सरदार गुलाम अब्बास की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत से मुस्लिम लीगी किला ज़िला चकवाल में मुस्तहकम हो गया है। इस मौके पर उन्होंने तलागांग के मारूफ मुस्लिम लीगी रहनुमा मलक सलीम इकबाल जो कि इन दिनों बीमार हैं, इनकी सेहतियाबी के लिए दुआ की। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबक मेंबर ज़िला कौंसिल चकवाल मलक वसीम गुल आवान वसनाल ने साबक सलाई सदर सरदार गुलाम अब्बास को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मलक मून वसनाल, मलक इफ्तार वसनाल, मलक तारक मुनारा, मलक अकरम मुनारा और दीगर दोस्तों ने भी सरदार गुलाम अब्बास की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर इन्हें खुशामदीद कहा और कहा कि सरदार गुलाम अब्बास की नून लीग में शमूलियत से मुस्लिम लीगी किला ज़िला चकवाल में मुस्तहकम हो गया है। खबर शामिल करते हैं खानगढ़ से, रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा मंसूर हुसैन। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में ज़िला भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ के CEO हेल्थ डॉक्टर फयाज खान गोपांग के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने दुहाई दी कि कोरोना ड्यूटी के वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। मुतासरा लेडी हेल्थ वर्कर्स ने बताया कि वो गुज़श्ता 8 माह से कोरोना ड्यूटी के वाजिबात से महरूम हैं। अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। कई बार दरख्वास्त भी दे चुके हैं लेकिन हर बार हमें टरखा दिया जाता है। इनका मजीद कहना था कि हम शदीद मौसमी हालात में भी ड्यूटी देती रही हैं लेकिन हमें मुआवजे से महरूम रखना नाइंसाफ़ी है। पुरअमन एहतजाज के बाद लेडी डॉक्टर्स मुंतशिर हो गई। इनके एहतजाज के दौरान महकमे हेल्थ के किसी अफसर ने भी इनसे राबता नहीं किया। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादिय सोन से, रिपोर्ट कर रहे हैं मलक जाहिद फारूक अवान। वादिय सोन की मरकजी दीनी दरसगाह जामिया मदीनातुन्नबी नौशहरा में अलहसनात अकेडमिक ब्लॉक का संग बुनियाद हजरत अलामा पीर मोहम्मद असलम रिजवी खलीफा मजाज आस्तान आलिया भेरा शरीफ
और सादात कराम मशायख अजाम के दस्ते अकदस से रखा गया। इस मौके पर अलामा मोहम्मद जावेद इकबाल खारा प्रिंसिपल जामिया मदीनतुन्नबी ने कहा कि यहाँ इल्म तहकीक की नई राहें खोलने के लिए अल हसनात अकेडमिक ब्लॉक का संग बुनियाद रखा गया है। इसमें दफातर, लाइब्रेरी, डिजिटल लैब, कॉन्फ्रेंस रूम और जदीद तर्ज पर क्लास रूम्स होंगे। अलामा पीर मोहम्मद असलम रिजवी ने कहा कि हजूर ज़ियाउल उम्मत का फिजान आज चार दांग आलम में फैल चुका है और जामिया मदीनतुन्नबी नौशहरा वादी सोन भी इसी सिलसिले की एक खूबसूरत कड़ी है।